मैडम क्या नाम है आपका? साक्षी डोगरा। साक्षी जी, आप जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन कर रही हैं, किन मांगों को लेकर आपने ये धरना प्रदर्शन किया है? हम एनपीएस को हटाना चाहते हैं। एनपीएस को हटाना चाहते हैं? किससे मांग कर रही हैं आप? इनकम टैक्स फेडरेशन गुजरात से आए हैं और हम एनपीएस को हटाना चाहते हैं। हमारी केंद्र सरकार से ये दरख्वास्त है कि एनपीएस को हटाया जाए। एनपीएस को आप हटाना चाहती हैं, उससे कोई आपको परेशानी है? जी हाँ, बताइए। ओल्ड पेंशन स्कीम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं अभी सिलेक्ट होकर आई हूँ और मुझे एनपीएस बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। हमारे लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ज़्यादा सही है। ये क्या नाम है आपका? देवदत्त जानी। कहाँ से आए हैं? मैं इनकम टैक्स अहमदाबाद से हूँ। अच्छा, क्या मांगे लेके आए हैं? एक ही मांग है हमारी कि जो न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने चालू की है एनपीएस, वो एक्चुअली उसका अगर फुल फॉर्म किया जाए तो नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव, उसका यही सही फॉर्म है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पहले ऐसा माना जाता था कि गवर्नमेंट की जो जॉब है वो एक ऐशो आराम की जॉब है, मगर आज के समय में कंप्यूटराइजेशन के बाद इतना वर्क प्रेशर वर्क लोड आ गया। गवर्नमेंट बोलते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बड़ा कलेक्शन कर रही है, मगर उसके लिए जो नींव है डिपार्टमेंट की, जो हम एम्प्लॉइज़ है उनको जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहिए, वो गवर्नमेंट ने छीन ली है, वो हम वापस लेने के लिए एक ही मांग है, एक सूत्री मांग है हमारी कि वो जो एनपीएस हटा के हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू की जाए। कब से कर रहे हैं ये मांगे आप लोग? ये एक्चुअली 2004 को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था, इतने सालों से हम यही मांग फिर से दोहरा रहे हैं, मगर बहरे कानों पर तक वक वो मांग पहुंच नहीं रही है, इसलिए हम पूरे देश से लोग यहाँ पे हमको वापस आना पड़ा है कि शायद दिल्ली में बात हमारी सुनी जाए। अच्छा, 2004 से आप अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, और 2004 से आपने हर जगह धरना प्रदर्शन किया? धरना किया है, स्ट्राइक भी किया है, वॉकआउट भी किया है, हर तरह से हमने हमारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है, मगर क्या पता जो शासक है उनके बहरों कानों तक हमारी बात नहीं पहुंच रही, और जो सामान्य जन जो एम्प्लॉयज़ है उनको वो कुछ गिन नहीं रहे हैं, इसलिए हमें रह रह के फिर वापस आकर हमारी बात कहनी पड़ती है। जिस तरीके से अभी 2 महीने रहे हैं इलेक्शन के, एग्जैक्टली दिन रह रहे हैं, तो इस बीच में अगर बीजेपी सरकार आपकी मांगों को पूरा करती है जी, तो आपको वोटों में क्या मुद्दा रहेगा? हमको किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, अगर बीजेपी करे या कांग्रेस करे या केजरीवाल भी करे, जो भी पक्ष है हमारी मांग को पूरी करे हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी हम उसी की तरफ? एग्जैक्टली, वही हमारी एक सूत्री मांग है कि एनपीएस हटाओ और जो नए बच्चे देश के इसमें एम्प्लॉयमेंट रह रहे गवर्नमेंट सेक्टर में उनका भविष्य सुनिश्चित करो। और अगर नहीं सुनती है कोई भी सरकार फिर? तो हम हमारी मांग और उग्र आने वाले दिनों में और उग्र मांग करेंगे। डेफिनेटली, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। गोपू आ जाए। मैं मैडम आपका रत्ना पटेल। अच्छा, कहाँ से आई है मैडम? अहमदाबाद। अच्छा, दिल्ली में आपने जंतर मंतर पे विशाल धरना प्रदर्शन कर रखा है, काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, किन मांगों को लेके आए हैं आप? एनपीएस के लिए। बस बस, बढ़िया। मांग बोलिए, मांग बोलो। वही मांग, क्वेश्चन वही है। आज सारे केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। एनपीएस आज समय की मैं पुरानी पेंशन लागू की जाए, जिस समय ये लागू हुई थी उस समय युवाओं की संख्या कम थी, आज केंद्रीय कर्मचारियों में 60% युवा हैं, और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो एनपीएस हटाएगा पुरानी पेंशन लागू करेगा, केंद्रीय कर्मचारी चुनाव में 2019 में उसका समर्थन करेंगे, और ये पूरे केंद्र कर्मचारी कर्मचारियों चाहे राज्य में प्रमोद पटेल रेलवे कर्मचारी। हाँ सर, क्या नाम है भैया? मैं तेजवीर सिंह, इनकम टैक्स गुजरात से आया हूँ सर, और सर मुझे सरकार की ये पॉलिसी बिल्कुल गंदा लग रही है। जो सांसद विधायक है उनको एक बार पेंशन में ला दिया जाता है तो आजीवन जो है उनको पेंशन मिलती है, जबकि सर केंद्रीय कर्मचारी जो है वो इतने मेहनत करता है सर, 60 साल अपने सर्विस में देता है, उसके बावजूद भी उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार से यही मांग है, चाहे वो बीजेपी रहे सरकार आने वाली या कोई और कांग्रेस पार्टी रहे, कोई भी पार्टी वो रहे, पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, हमारी सब यही मांग है सर। 2004 से आपकी मांगे चल रही है। हाँ, 2004 के बीच में आपने यहाँ पे जंतर मंतर पे विशाल धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आप क्यों आए आप? सर, तीन महीने पहले हम आए हैं और आए दिन हम लोग स्ट्राइक करते रहते हैं सर, और हम लोग पूरे प्रयास में और प्रयास में रहेंगे। ये धरना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं इनको देखकर क्या सरकार आपको लॉलीपॉप दे रही है? लॉलीपॉप ही थमा रही है सर, जब कोई एक्शन ले ही नहीं रही सरकार तो लॉलीपॉप ही जैसा है। लेकिन हमको जी, मेरा नाम तेजवीर है।
करप्शन होता रहा, लेकिन अब हम सब एक हो गए हैं, एक आवाज हो गए हैं, एक आवाज में सीधा सीधा कहना चाहते हैं, चाहते हैं कि या तो ये सरकार रहेगी, ओल्ड पेंशन देगी तो रहेगी, नहीं तो सरकार ही नहीं रहने देंगे। जिंदाबाद युवा, युवा शक्ति। सर आप हमारे क्या है? मैं नॉर्दर्न रेलवे से हूँ। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके अंदर एक समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार के अंदर हिंदुस्तान के हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए। पर एक MLA राज्य विधानसभा के लिए चुना जाता है, MP पार्लियामेंट के लिए चुना जाता है, उनको एक बार शपथ लेते ही वो पेंशन के अधिकारी बन जाते हैं। और कर्मचारियों की जो लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम थी वो पेंशन खत्म कर दी, NPS 2004 से लागू कर दिया। तो ये समानता के अधिकार में पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट के चलाने वाले हमारे पार्लियामेंट की सरकार होती है उनको सोचना चाहिए। अपने लिए हम कोई चीज़ ले रहे हैं, राज्य सरकार के MLO को भी वो चीज़ दे रहे हैं और जितने भी सांसद हैं उन सबको पेंशन के स्कीम में ला रहे हैं। तो एम्प्लॉयज भी एक सरकारी तंत्र को चलाता है। राजनीति तो सिर्फ उप शीर्ष लीडर करती है, असलियत में एम्प्लॉयज ही हर सरकार को, हर डिपार्टमेंट को चलाते हैं। तो इसलिए ऐसी सरकार पार्लियामेंट में आनी चाहिए जो अपने से कम समानता करे। गवर्नमेंट के अंदर जो बच्चे भर्ती होते हैं उनको कम से कम पुरानी पेंशन से जोड़ के उनके भविष्य का, उनके परिवार के भविष्य का। आज पूरे देश में बेरोजगारी इस कगार पे बैठी है, घर 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 बेरोजगार बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए 15-20 लाख रुपए लग जाते हैं। उसके बाद में आज रोजगार के क्षेत्र में बच्चों को 15,000 से ज़्यादा कहीं भी बीटेक बच्चे को नहीं मिलता, बीएड को नहीं मिलता, एमएड को नहीं मिलता, PhD की लाइन लगी हुई है। आज यूनिवर्सिटियाँ देखिए, यूनिवर्सिटियाँ वैकेंसी एक एक दो दो वैकेंसी निकालती है, हेडोप के ऊपर PhD बच्चों को 25,000 रुपए के। बात को मानते हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 2004 से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो आपने भी बोला है कि अगर ये सरकार हमारी नहीं सुनवाई करेगी तो ये सरकार नहीं रहेगी। 2004 से इनकी सरकारें आ चुकी हैं, उनने आपकी मांगे नहीं करी, तो क्या आपकी उम्मीद है हर सरकार को हम जताते हैं अब ये आंदोलन बड़े लेवल पे किया जाएगा? सरकार पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज वही रखेंगे जो सरकारी कर्मचारी पुराने हो या नए हो उनकी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू रखेगी। मेरा सुभाष चंद्र नाम है, नॉर्दर्न रेलवे।